अकाउंटिंग नो प्रॉब्लम में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती। टेली प्राइम के इस अध्याय में आप जानेंगे वाउचर नंबरिंग की मेथड्स के बारे में। इस वीडियो को हमने दो पार्ट्स में बनाया है, जिसमें पहले पार्ट में आपने जाना था वाउचर नंबरिंग की ऑटोमेटिक मेथड के बारे में, और इस वीडियो में हम बताएंगे वाउचर नंबरिंग की अन्य मेथड्स के बारे में। इससे पहले वाली वीडियो में हमने हैप्पी ट्रेडर्स नाम की कंपनी में काम किया था, और यहां हम एक नई कंपनी एबीसी ट्रेडर्स ले रहे हैं। जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि वाउचर नंबरिंग की 5 मेथड्स होती हैं, जिसमें से कि पहली मेथड ऑटोमेटिक पर काम करना हम बता चुके हैं। दूसरी मेथड है ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड। ये पहली और तीसरी मेथड का कॉम्बिनेशन है। पहली मेथड हम पहले ही समझा चुके हैं, और इस वाली मेथड को समझने के लिए पहले मैनुअल मेथड को समझना जरूरी है, जो कि तीसरी मेथड है। इसलिए हम आपको दूसरी मेथड की बजाय तीसरी मेथड यानी मैनुअल के बारे में पहले समझा रहे हैं, और इसके बाद फिर हम दूसरी मेथड समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहां सबसे पहले हम सेल्स वाउचर ओपन कर लेते हैं। ये देखिए, सेल्स वाउचर ओपन हो गया है। चूंकि हमने इस कंपनी में अभी तक एक भी सेल्स वाउचर नहीं बनाया है, इसलिए यहां पर वाउचर नंबर में 1 आ रहा है। अब जैसे जैसे हम सेल्स वाउचर बनाते जाएंगे, वाउचर नंबर 1 के बाद 2, 3, 4 इस तरह से ऑटोमेटिकली आते जाएंगे। अब यदि हम इन वाउचर नंबर 1, 2, 3 को बदलकर कुछ और करना चाहें, तो अभी हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि टैली में बाय डिफॉल्ट वाउचर नंबर की ऑटोमेटिक मेथड सिलेक्टेड होती है। पर यदि आप इस पर अपना कंट्रोल रखना चाहते हैं, यानी मैन्युअली कोई सा भी वाउचर नंबर टाइप करना चाहते हैं, तो उसके लिए वाउचर नंबरिंग की मेथड को ऑटोमेटिक से बदलकर मैन्युअल करना होगा। और ऐसा करने के लिए वाउचर टाइप ऑल्टरेशन स्क्रीन पर जाना होगा। अभी हम गेटवे ऑफ टैली पर हैं। वाउचर टाइप ऑल्टरेशन स्क्रीन पर जाने के लिए ऑल्टर पर जाएं और फिर वाउचर टाइप पर जाएं। यहां से वो वाउचर टाइप सेलेक्ट करें जिसमें आप ऑल्टरेशन करना चाहते हैं। हम सेल्स सेलेक्ट कर रहे हैं। अब हम एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये देखिए, यहां वाउचर नंबरिंग की 5 मेथड्स दिखाई पड़ रही हैं। इसमें से हम मैनुअल सिलेक्ट कर रहे हैं। ये देखिए, इसे सिलेक्ट करते ही नीचे एक नया ऑप्शन प्रिवेंट डुप्लीकेट्स आ गया है। हम इसे यस कर रहे हैं। इसे यस करने से क्या होता है, ये हम आपको आगे बताएंगे। अब हम इसे सेव कर लेते हैं। चलिए अब हम सेल्स वाउचर पर चलते हैं और कुछ वाउचर बनाकर देख लेते हैं। यहां आप देख सकते हैं, जब वाउचर नंबरिंग की ऑटोमेटिक मेथड सिलेक्टेड थी, तो यहां पर वाउचर नंबर अपने आप ही आ रहा था। पर अब चूंकि हमने मैनुअल मेथड ले ली है, तो यहां पर वाउचर नंबर हमको मैनुअली टाइप करना होंगे। अब चूंकि ये हमारा पहला इनवॉइस है, तो यहां पर हम वाउचर नंबर 1 टाइप कर रहे हैं। अब पूरा वाउचर बना लेंगे। ये देखिए, हमने पहला वाउचर क्रिएट कर लिया है। अब दूसरा वाउचर बनाने के लिए भी यहां हमें अगला वाउचर नंबर टाइप करना होगा, यानी अब सारे वाउचर के नंबर्स हमें मैन्युअली ही टाइप करने होंगे। हमने 1 और 2 नंबर वाउचर बना लिए हैं। अब यदि हम गलती से फिर से 2 नंबर टाइप करके आगे बढ़ते हैं, तो देखिए एक एरर आ रही है, डुप्लीकेट वाउचर नंबर, यानी आप इस नंबर का वाउचर पहले ही बना चुके हैं। और ये एरर इसलिए आ रही है क्योंकि हमने मैनुअल मेथड को सिलेक्ट करते समय प्रिवेंट डुप्लीकेट्स ऑप्शन को यस किया था।
यदि हमने इस ऑप्शन को नो ही रहने दिया होता और हम पहले से बने हुए वाउचर नंबर का ही कोई और वाउचर बनाते तो इस तरह की वार्निंग नहीं आती और वाउचर भी सेव हो जाता। जैसे हमने 5 नंबर का वाउचर बना लिया है और गलती से फिर से 5 नंबर का वाउचर बनाने जाएंगे तो वो आसानी से बन जाएगा, पर अकाउंटिंग के प्रिंसिपल के हिसाब से एक ही नंबर के 2 बिल नहीं हो सकते। इसी समस्या से बचने के लिए हमें प्रिवेंट डुप्लीकेट्स ऑप्शन को यस रखना चाहिए। यहां पर एक बात का ध्यान रखें, यदि आपने मैनुअल मेथड सिलेक्ट कर ली है और प्रिवेंट डुप्लीकेट्स ऑप्शन को इनेबल नहीं किया और कुछ वाउचर बना लिए हैं, तो उसके बाद यदि आप इस ऑप्शन को इनेबल करना यानी इसको यस करना चाहेंगे तो वो इनेबल नहीं होगा। इसलिए मैनुअल मेथड सिलेक्ट करते ही इस ऑप्शन को जरूर इनेबल कर लें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ अन्य बातों को समझने के लिए हमने इसके पहले पार्ट में हैप्पी ट्रेडर्स में जो काम किया था उसे ओपन कर लेते हैं और इसमें वाउचर टाइप ऑल्टरेशन स्क्रीन पर चलते हैं। ये देखिए, इसमें हमने ऑटोमेटिक मेथड उपयोग की थी और कुछ वाउचर भी बना लिए थे। अब यदि हम इस मेथड को बदलकर मैनुअल सिलेक्ट करते हैं तो इस तरह का मैसेज आएगा। इस मैसेज का अर्थ ये है कि यदि आप वाउचर नंबरिंग की जो मेथड है उसे चेंज करते हैं तो अभी तक जितने भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो चुके हैं उन सभी के वाउचर नंबर पर इसका प्रभाव पड़ेगा। हम इस मैसेज को इग्नोर करते हुए यस कर लेंगे। ये देखिए, अब हमारा कर्सर प्रिवेंट डुप्लीकेट्स ऑप्शन पर नहीं आ रहा है। इसका मतलब है अब हम इस ऑप्शन को चालू नहीं कर सकते। हम इन चेंजेस को सेव कर लेते हैं और डे बुक पर चलते हैं। देखिए, इस चेंज का प्रभाव ये हुआ कि हमने इस फाइनेंशियल ईयर में जितने भी वाउचर बनाए थे उन सभी के वाउचर नंबर हट गए हैं, यानी सारे वाउचर में से वाउचर नंबर वाली फील्ड ब्लैंक हो गई है। यहां एक बात का और ध्यान रखें कि इस तरह के चेंजेस करने पर यदि आपने पिछले वर्षों में भी इस कंपनी में काम किया होगा तो उनके वाउचर नंबर भी चले जाएंगे। इस प्रॉब्लम का हल ये है कि आप अपनी कंपनी में एक नया वाउचर टाइप जैसे कि सेल्स मैनुअल या अन्य किसी नाम से बना लें और उसमें नंबरिंग मेथड ऑटोमेटिक के स्थान पर मैनुअल सिलेक्ट कर लें और फिर उसमें वाउचर बनाएं। नया वाउचर कैसे बनाते हैं ये हम आपको अपनी वीडियो नंबर 91 वाउचर टाइप एंड वाउचर क्लास में बता चुके हैं। ध्यान रखें, यदि आप कोई नई कंपनी बनाते हैं और उसमें शुरू से ही मैनुअल मेथड रखते हैं तो फिर इस तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए अब बात करते हैं मैनुअल वाउचर नंबरिंग का उपयोग करने से होने वाले लाभ के बारे में। इसका फायदा ये है कि हमने जो वाउचर्स रिकॉर्ड किए हैं यदि उनमें से बीच के किसी वाउचर को डिलीट कर देते हैं या बीच में कोई नंबर छूट गया है यानी खाली है और आप उस पर नया वाउचर बना देते हैं तो अन्य किसी वाउचर के नंबर्स पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इस मेथड का एक डिसएडवांटेज भी है, वो ये कि वाउचर्स बनाते समय यदि हम बीच का कोई वाउचर नंबर स्किप कर देते हैं तो टैली की तरफ से हमें किसी भी प्रकार की कोई वार्निंग नहीं मिलती है। जैसे हमने 1, 2, 3, 4 नंबर तक वाउचर बनाए और उसके बाद सीधे 11 नंबर टाइप कर दिया तो टैली बीच के नंबर्स छोड़कर 11 नंबर का वाउचर बना देगा और आपको कोई वार्निंग भी नहीं मिलेगी। तो ये तो थी तीसरी मेथड। अब बात करते हैं दूसरी मेथड ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड की। ये मेथड, पहली मेथड जो कि ऑटोमेटिक है और तीसरी मेथड जो कि मैनुअल है, उनका कॉम्बिनेशन है, यानी दोनों मेथड्स को मिलाकर इसे बनाया गया है। जैसा कि आपको पता है, ऑटोमेटिक में टैली अपने आप से ही वाउचर नंबर 1 के बाद 2, 2 के बाद 3
यानी क्रम में नंबर देते जाता है। इसी तरह हमने मैनुअल में देखा था कि वाउचर के नंबर का पूरा कंट्रोल हमारे पास होता है। इसमें आप अपनी सुविधा के अनुसार वाउचर पर नंबर टाइप कर सकते हैं। अब ये जो दूसरी मेथड है, जो कि ऑटोमेटिक और मैनुअल का कॉम्बिनेशन है, इसमें वाउचर नंबर तो ऑटोमेटिक आते हैं, पर यदि आप उन्हें बदलना चाहें तो मैनुअली बदल भी सकते हैं। यहां इस मेथड को समझने के लिए हम एक और नई कंपनी सन एंटरप्राइजेस ले रहे हैं। आइए अब देखते हैं कि ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड मेथड कैसे काम करती है। उसके लिए हम वाउचर टाइप ऑल्टरेशन स्क्रीन पर चलते हैं। अब यहां हम ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड सिलेक्ट कर लेंगे। अब हम प्रिवेंट डुप्लीकेट्स ऑप्शन को भी यस कर लेंगे। इसके बाद अगला ऑप्शन है यूज एडवांस्ड कॉन्फ़िगरेशन। इसके बारे में हम आपको इसके पहले पार्ट में बता चुके हैं। यदि आप इस ऑप्शन का उपयोग करना चाहते हैं तो इसे यस कर लें। हम इसे नो ही रहने दे रहे हैं और अब ये सेव कर लेते हैं। चलिए अब वाउचर क्रिएशन स्क्रीन पर चलते हैं। ये देखिए, अब वाउचर नंबर 1 अपने आप आ रहा है। हम इसे चेंज करके 2, 3 या कोई और नंबर दे सकते हैं। हम वापस 1 कर लेते हैं और पूरा वाउचर बना लेते हैं। देखिए, अब वाउचर नंबर 1 बनने के बाद 2 भी अपने आप आ रहा है। ये हम पूरा वाउचर बना रहे हैं। अब ये देखिए, अगला वाउचर नंबर 3 आ रहा है। अब मान लीजिए हम इसे चेंज कर देना चाहते हैं तो मैन्युअली हम इसको 10 कर देते हैं और पूरा वाउचर बना लेते हैं। अब देखिए, चूंकि अभी हमने वाउचर नंबर 10 डाला था तो अगला वाउचर नंबर ऑटोमेटिकली 11 आ रहा है। तो यहां हम आपको ये बताना चाहते हैं कि यदि हम गलती से या किसी और कारण से जो भी नंबरिंग चल रही है उसको छोड़कर आगे का किसी और नंबर का वाउचर बना लेते हैं तो टैली उस नंबर के वाउचर को भी एक्सेप्ट कर लेता है और उसके बाद वाउचर नंबरिंग उसी के आगे के नंबर से शुरू कर देता है। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और बातें समझ लेते हैं। यदि हमने पिछले फाइनेंशियल ईयर या इस फाइनेंशियल ईयर में ऑटोमेटिक नंबरिंग मेथड द्वारा कुछ वाउचर्स बना लिए हैं और अब ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड मेथड को सिलेक्ट करते हैं तो जैसा कि आपने मैनुअल मेथड में देखा था, उसी तरह यहां भी पिछले सभी वाउचर्स की नंबरिंग गड़बड़ हो जाएगी। इसका भी सॉल्यूशन वही है कि आप अपनी कंपनी में एक नया वाउचर टाइप, जैसे कि सेल्स ऑटो ऑब्लिक मैनुअल या किसी और नाम से नया वाउचर टाइप बना लें और उसमें ऑटोमेटिक के स्थान पर ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड मेथड को सिलेक्ट कर लें और फिर उसमें वाउचर बनाएं। नया वाउचर कैसे बनाते हैं यह हम आपको पहले ही बता चुके हैं। हाँ, यदि आप कोई नई कंपनी बनाते हैं और उसमें शुरू से ही ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड मेथड को सिलेक्ट करते हैं तो इस तरह की कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। चलिए अब बात करते हैं उन सभी फायदों की जो कि ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड नंबरिंग का उपयोग करने से होते हैं। पहला फायदा तो ये कि इसमें ऑटोमेटिक मेथड की तरह ही नंबरिंग आती है। दूसरा, मैनुअल मेथड की तरह इसमें वाउचर नंबर पर आपका पूरा कंट्रोल रहता है। तीसरा, हमने जो वाउचर्स रिकॉर्ड किए हैं, यदि उनमें से बीच के किसी वाउचर को डिलीट कर देते हैं या बीच में कोई नंबर छूट गया है यानी खाली है और आप उस पर नया वाउचर बना देते हैं तो अन्य किसी वाउचर के नंबर पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इस मेथड का एक डिसएडवांटेज भी है, वो ये कि वाउचर्स बनाते समय यदि हम बीच के कोई वाउचर नंबर स्किप कर देते हैं तो टैली की तरफ से हमें किसी भी प्रकार की कोई वार्निंग नहीं मिलती है। जैसे कि हमने 1, 2, 3, 4 नंबर तक वाउचर बनाए और उसके बाद सीधे 11 नंबर टाइप कर दिया तो टैली बीच के नंबर्स छोड़कर
11 नंबर का वाउचर बना देगा और आगे की नंबरिंग उसके आगे शुरू हो जाएगी। तो अभी आपने देखा कि ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड मेथड किस तरह से काम करती है। चलिए अब बात करते हैं चौथी मेथड की, जो है मल्टी यूजर ऑटो। इसके लिए हम वापस वाउचर टाइप ऑल्टरेशन स्क्रीन पर चलते हैं। सामान्यतः हम एजुकेशन वर्जन या सिंगल यूजर लाइसेंस, जो कि सिल्वर लाइसेंस होता है, उस पर काम करते हैं, पर कई लोगों के यहाँ मल्टी यूजर लाइसेंस यानी गोल्ड लाइसेंस पर काम होता है। ये मेथड उन्हीं के लिए उपयोगी है और इसलिए इस मेथड का नाम भी मल्टी यूजर ऑटो है। इसके उपयोग को हम एक उदाहरण से समझ लेते हैं। मान लीजिए हम मल्टी यूजर पर काम कर रहे हैं और हमारे पास सेल्स की एंट्री करने के लिए 3 ऑपरेटर्स हैं, मोहन, सोहन और मुकेश। अब ये तीनों एक ही समय पर सेल्स की एंट्री कर रहे हैं और तीनों की कंप्यूटर पर सेल्स वाउचर का नंबर 25 आ रहा है। यदि मोहन ने सबसे पहले सेल्स की एंट्री पास कर दी तो 25 नंबर का वाउचर तो सेव हो गया, और जब सोहन और मुकेश प्रयास करते हैं तो उन्हें टैली की तरफ से एक वार्निंग आती है कि वाउचर नंबर 25 पहले ही उपयोग किया जा चुका है, नया नंबर 26 होगा। यदि आप चाहते हैं कि इस तरह की कोई वार्निंग ना आए और अपने आप आगे के नंबर पर वाउचर सेव हो जाए, तो आप इस ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं। इसका उपयोग करने से सेल्स वाउचर नंबर के सामने नंबर की जगह पर ऑटो लिखा हुआ आएगा और तीनों यूजर्स बिना किसी वार्निंग के एंट्री पास कर सकेंगे। चलिए अब बात करते हैं पांचवी मेथड, नन की। इसका हमें कोई उपयोग नहीं है क्योंकि यदि हम नन सेलेक्ट करते हैं तो वाउचर पर कोई नंबर ही नहीं आएगा, यानी नन सेलेक्ट करने पर, जैसा कि आप देख रहे हैं, वाउचर नंबरिंग का ऑप्शन ही बंद हो गया है। ध्यान रखें, टैली पर बिल बनाते समय बिल पर नंबर आना जरूरी है क्योंकि बिना बिल नंबर के कस्टमर को बिल देने का कोई मतलब ही नहीं है। तो दोस्तों, इस अध्याय में बस इतना ही। धन्यवाद।